पठानकोट च पेंदे मलकपुर दे इक पेट्रोल पंप दे पानी मिलिया पेट्रोल दित्ते जाण दी इतलाह तों बाद कवरेज करन गए एक निजी चैनल दे पत्रकार ते हमला करन दी खबर मिली है। पीड़ित पत्रकार ने दस्या के कवरेज तों रोकण लई पंप मालक वल्लों भोआ दे विधायक जोगिंदर पाल नूं मौके ते सद लिया गया। विधायक जोगिंदर पाल समेत उन्हां दे समर्थकां ने उन्हां नाल कुटमार कीती अते उस दा मोबाइल खोह लिया। घटना की खबर मिलदे ही पत्रकार मौके ते पहुंच गए। सत्ता दे नशे च चूर विधायक समर्थक इस दौरान भी कैमरे दे सामने बेखौफ हो पत्रकारां नाल उलझदे हुए नजर आए। मैं मलकपुर दे विचों मैनूं एक सूत्र दा फोन आया कि तुसीं दा करो कि मलकपुर जिहड़ा पंप हैगा इत्थे प्रेम कुमार दा उत्थे एक पेट्रोल दे विचों पानी आ रहा ते मैं इत्थे कवरेज करन दे लई पहुंचिया सीगा। जे मैं इत्थे पहुंचिया इत्थे अनिल दारा जिहड़े प्रधान है अते उंदा पंप भी हैगा उत्थे खड़े सीगे। मैनूं उन्होंने इशारा नाल कहा कि तू इत्थों निकल जा ते मैं उन्हूं बोलिया कि सर मैं खबर करन आया, मैं खबर करके चल जाणा, मैं मैनूं जो सच्चाई है मैं करके वापस चल जाणा। उस तों 5 मिंट बाद जोगिंदर पाल जी इत्थे आए ने, उन्होंने आके मैनू कहिंदे कि तू इत्थे खबर नहीं करनी, तू बाहर चल जा। मैं बाहर खड़ा सीगा, बाहर आ के ए नाल जिहड़े बदमाश टाइप बंदे सीगे उन्होंने आ के मैनू बालों फड़ के झंझोड़िया, मेरी कमीज फाड़ती, मेरा मोबाइल खोलिया, मैनू मां भैन की गालां कढ़ियां, इत्थों तक कि मैनू जान तो मार दी धमकियां भी दित्तियां। MLA जोगिंदर पाल ने कहा कि इहनू गड्डी च पा के डांगा फेरो, तैनू जाके दरिया सुट्टो, इह वड्डा पत्रकार बनिया फिरदा। मतलब कि मैनू जोगिंदर पाल ने शरेआम कहा कि तैनू मैं मरवा देना। घटना की खबर मिलदे भोआ तो भाजपा की सबका विधायक सीमा देवी भी मौके पर पहुंची, उन्होंने कांग्रेसी वालों की गुंडागर्दी का विरोध किया। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭੋਏ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਤਮੀਜ਼, ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਗਬਾਣੀ TV।